दार्जिलिंग टॉय ट्रेन देश की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। 2250 मीटर हाइट पर बनी देश की पहली माउंटेन रेलवे भी है, जो आज से 143 साल पहले 1881 में खुली थी। आज ये एक आइकॉनिक पार्ट है रेलवे का, जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग को सिलीगुड़ी से जोड़ता है 88 किलोमीटर से। टोटल 17 स्टेशन को कनेक्ट करती है ये लाइन, और न सिर्फ इंडिया की बल्कि एशिया की भी सबसे पुरानी नैरो गेज रेलवे लाइन है। ये पूरी तरह से डिफिकल्ट माउंटेनस टेरेन में चलती है, जिसमें 6 जिगजैग्स और 3 लूप्स बनाए गए हैं स्मूथ एलिवेशन पाने के लिए। और जब से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, तब से टूरिस्ट इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। उनके लिए स्पेशल स्टीम लोकोमोटिव्स के साथ ट्रेन चलाई जाती हैं, जो 1880 में पहली बार चली थी। इनमें 3 कोचेस होते हैं और हर कोच में 44 सीट्स। रूट में एक आइकॉनिक बटासिया लूप भी है, जो ट्रेन को स्टीप स्लोप्स पर चढ़ने के लिए बनाया गया है। आज ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। पिछले साल इस लाइन ने लगभग 21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि इसकी 140 साल की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। इसके साथ ही इस लाइन में ऑलमोस्ट 1.4 लाख टूरिस्ट ने ट्रैवल किया, जो कि इसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। दार्जिलिंग आज तो काफी सुंदर शहर है पिक्चरेस्क व्यूज के साथ, लेकिन पहले ये किंगडम ऑफ सिक्किम का पार्ट था, जहाँ लेपचाज और भूटियाज इंडिजिनस ट्राइब्स रहती थी। ये पहले खाली हिलसाइड होती थी, जो कि 1870s तक नेपाल के गोरखा किंगडम ने पूरे रीजन को इन्वेड किया, जिसमें प्रेजेंट डे दार्जिलिंग का रीजन भी शामिल था। वो टीस्टा रिवर तक पहुंच गए, जिसके आगे भूटान की टेरिटरी शुरू होती थी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रीजन में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया अर्ली 19th सेंचुरी में, उधर के क्लाइमेट की वजह से। उन्होंने फिर रीजन में इंटरफेयर करना शुरू किया, जो गोरखास को नहीं आया। इसकी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरन हेस्टिंग्स ने वॉर डिक्लेयर कर दिया नेपाल पर 1814 में, एंग्लो नेपलीज वॉर। 1.5 साल चलने के बाद गोरखास ने हार मान ली और दार्जिलिंग वापस दे दिया सिक्किम को और रिट्रीट हो गए। 1829 में दो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने एक क्रेसेंट माउंटेन रिज देखी, जो उन्हें पसंद आई एक सैनिटोरियम रिजोर्ट बनाने के लिए, जहां पेशेंट्स और लोग जो इंडिया की गर्मी से सफर कर रहे हैं वहां जाकर आराम करके ठीक हो सके। ये आइडिया गवर्नर जनरल ने एक्सेप्ट किया और ऐसे जन्म हुआ दार्जिलिंग का। 1835 में कंपनी ने थोड़ा लैंड लीज पर लिया और कंस्ट्रक्शन शुरू की रिजोर्ट टाउन की। साथ ही पब्लिक बिल्डिंग्स, होटल, कोर्ट हाउस और ब्रिटिश स्टाइल बंगलोज भी बनाए गए। जब चाइना के साथ टी ट्रेड में कंपनी ने अपने मोनोपोली राइट्स खो दिए, तो उन्होंने इंडिया में ही उसे ग्रो करने का डिसाइड किया। यहाँ आर्चिबाल्ड कैंपबेल, जो सुपरिंटेंडेंट थे बंगाल मेडिकल सर्विस के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया टी प्लांटेशन का 1840 में। इसकी सक्सेस को देखते हुए पूरी हिलसाइट्स को एक्वायर कर लिया गया धीरे धीरे यूरोपियन स्पॉन्सर्स के द्वारा, और टी प्लांट करना शुरू किया, जिसे टी गार्डन्स नाम दिया गया। रोड्स और एक्सेस भी इम्प्रूव किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा टी एक्सपोर्ट किया जा सके। चाइना से ट्रेड इम्बैलेंस कवर करने के लिए और ज्यादा टी प्लांटेशन ग्रो करना शुरू किया। इस ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हुए पूरे इंडिया से लोग माइग्रेट होना शुरू हुए इधर हर काम के लिए। 15 साल के अंदर ही दार्जिलिंग एक खाली जगह से हिल स्टेशन बन गया। हिल स्टेशन टर्म्स भी ब्रिटिश लोगों ने यूज करना शुरू किया उन टाउन्स के लिए, जो हिली टेम्परेट रीजन्स में बने हो, जहां वो जाके रह सके या गर्मी से बचने के लिए जा सके। 1850 से 70 के बीच दार्जिलिंग में 56 टी गार्डन्स बन गए थे, जहां 8000 से ज्यादा लेबरर्स काम करने लगे। और वही फिगर 20th सेंचुरी के खत्म होने तक 100 टी गार्डन्स हो चुकी थी और 64,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के साथ। इसके अलावा ब्रिटिश राज के ऑफिशियल्स ने भी हिल स्टेशंस में ट्रैवल करना शुरू किया समर्स में। इस बढ़ती माइग्रेशन और ट्रैवलर्स को केटर करने के लिए 1872 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को अनाउंस किया गया पहली बार। 6 साल बाद 1878 तक एक रेलवे लाइन कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक बनाई गई, जो हिमालय के फुटहिल्स पर पड़ता है। वहां से दार्जिलिंग को कनेक्ट करना फिर भी काफी मुश्किल टास्क साबित हो रहा था, डिफिकल्ट माउंटेनस टेरेन की वजह से। तभी एक ईस्ट इंडियन बंगाल रेलवे कंपनी के एजेंट फ्रैंकलिन प्रेस्टाज ने गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखा एक स्टीम ट्रैमवे लाइन बिछाने के लिए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक, और अगले साल तक उसे मंजूरी भी मिल गई। इसको बनाने का एक और पर्पस था कि दार्जिलिंग तक आने वाले सामान जैसे राइस और वीट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना और लोकल इंडस्ट्रीज, खासकर टी प्लांटेशन की कमर्शियल वायबिलिटी को इम्प्रूव करना। इन्हीं सब कारणों से इतनी जल्दी अप्रूवल मिला और कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाई। बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आया हिल कार्ट रोड पर लाइन को बिछाना कम स्लोप के साथ। हिल कार्ट रोड एक 70 किलोमीटर लंबी रोड है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच। ये मेन मार्केट, रेजिडेंशियल और टूरिस्ट एरियाज को जोड़ती है। ये इसलिए भी इतनी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कई स्टीप ग्रेडियंट्स और शार्प कर्व्स मौजूद हैं, जो कि रेलवे लाइन के लिए बुरी खबर होती है। इसके अलावा मानसून सीजन में हैवी रेनफॉल की वजह से इसमें लैंडस्लाइड,
लैंडस्लाइड्स और सॉयल इरोजन देखने को मिलता है, जिसने इस कंस्ट्रक्शन को और डिफिकल्ट बना दिया। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद स्किल इंजीनियर्स इसे बनाने की प्रॉपर प्लानिंग कर रहे थे। जिलैंडर्स आर्बटनॉट एंड कंपनी को हायर किया गया इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। उन्होंने मैनचेस्टर इंग्लैंड में बेस्ड मेसर्स शार्प स्टुअर्ट कंपनी से 8 स्टील लोकोमोटिव्स मंगाई जो कि स्टीप स्लोप्स में आसानी से चल पाए। 2 साल में इसका सिलीगुड़ी से टेंडरिया का स्ट्रेच भी खुल गया, जिस पर वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने खुद ट्रैवल किया जब वो पहली बार दार्जिलिंग आए। अगले साल तक पूरा स्ट्रेच दार्जिलिंग तक खुल गया 4 जुलाई 1881 को। ये 82 किलोमीटर लंबी लाइन है जिसका हाईएस्ट स्टेशन है घूम 2257 मीटर ऊंचाई पर स्थित। पहले साल इस ट्रेन ने 8000 पैसेंजर्स और 380 टन गुड्स कैरी किए। अगले साल सुखना और गया बारी के बीच 4 लूप्स और 4 जिगजैग्स बनाए गए ताकि ग्रेडियंट को और स्मूथ बनाया जा सके। इन जिगजैग पाथ्स को स्विचबैक्स भी कहते हैं, जो स्टीप स्लोप्स को क्लाइंब करने या डिसेंड करने के लिए शार्प टर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 साल बाद लाइन को 400 मीटर एक्सटेंड करके दार्जिलिंग बाजार तक ले जाया गया, जिससे ये ट्रेन लोगों के लिए और एक्सेसिबल बन पाई। दार्जिलिंग बाजार उस टाइम का एक मेजर ट्रेडिंग हब होता था रीजन का, जहां ज्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, खासकर टी बिजनेस से रिलेटेड। इसे फिर ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से कुछ साल में स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ गई। नया स्टेशन इतने अच्छे से बनाया गया था कि 1897 अर्थक्वेक में भी इसे कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि कई घर डैमेज हो गए थे दार्जिलिंग और कुर्सियों के बीच। अगले 8 साल में इस लाइन पर ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 29,000 हो गई और 31,500 टन सामान भी। राइस, फ्लावर और कोल के अलावा ये ट्रेन टूरिस्ट के बीच भी काफी पॉपुलर हो गई। ग्रोथ ऐसी ही बढ़ती रही नई सेंचुरी में भी, जब इसने 100,000 नंबर को भी क्रॉस कर लिया। 174,000 पैसेंजर्स ने इसे ट्रैवल किया और 47,000 टन सामान के साथ 1910 में। ट्रेन की सर्विस और क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव की गई और सिलीगुड़ी से किशनगंज का स्ट्रेच भी एक्सटेंड किया गया। टिंडरिया के पास सलीम हिल के टॉप को फ्लैटन करके नए रेलवे वर्क की साइट बनाई गई ट्रेन को मेंटेन करने के लिए। इन सब की वजह से टोटल पैसेंजर्स बढ़कर 2.5 लाख पहुंच गए और 60,000 टन सामान के साथ। फ्रेट में फ्लावर, राइस, टी, पोटैटोज, सॉल्ट, शुगर और मेटल सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किए जाते थे इसमें। बढ़ते हुए बिजनेस से रेलवे को और ज्यादा जगह चाहिए थी, तो इसलिए अपने हेडक्वार्टर को उन्होंने दार्जिलिंग से कुर्सियोंग शिफ्ट कर दिया। इस लाइन का सबसे बड़ा लैंडमार्क 1919 में खुला बटासिया लूप कुर्सियोंग और दार्जिलिंग के बीच। ये एक छोटा सा लूप ट्रैक बनाया गया था ग्रेडियंट को और जेंटल बनाने के लिए, ताकि ट्रेन्स आसानी से क्लाइंब कर पाएं। इस लूप का रेडियस 42 मीटर है, जो ट्रेन को शार्प टर्न लेने में मदद करता है। लेकिन इसके बनने के बावजूद उस साल DHR की राइडरशिप में कमी देखने को मिली, जब इसका पहला मेजर कॉम्पिटिशन आया एक बस सर्विस के रूप में। बस इस रूट को सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा कर सकती थी, ट्रेन से 1.5 घंटा कम। रोड थोड़ी इंप्रूव हुई थी पिछले कुछ सालों में, जिसका बसेस ने काफी फायदा उठाया। इसको चैलेंज करने के लिए रेलवे ने एक स्पेशल रेल कार इंट्रोड्यूस की, जो ज्यादा तेज चल सकती थी, लेकिन सिर्फ 9 पैसेंजर्स कैरी कर सकती थी एक बार, तो इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर नहीं बन पाई और बहुत जल्द सर्विस से निकाल दिया गया इसे। प्राइवेट कार्स और बसेस से कंपटीशन के बाद भी रेलवेज ने अगले दशक में बढ़ोतरी देखी। 258,000 पैसेंजर्स को और 80,000 टन सामान को ट्रांसपोर्ट किया 1930 में। तब ये 3 ट्रेन चला रहे थे एक एक डायरेक्शन में हर रोज, और 2 लोकल सर्विस टिंडरिया और कुर्सियोंग तक। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इसमें सडन इंक्रीज देखने को मिला, जब DHR ने मिलिट्री पर्सनल और सप्लाईज को घूम और दार्जिलिंग के कैंप्स तक ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। इसका मेन कारण था एलाइज के लिए एक प्रॉपर डिफेंस बनाना जापानीज थ्रेट के अगेंस्ट, जो बर्मा वाली साइड से आ रहा था। तब 39 लोकोमोटिव्स थी उनकी टंडरिया वर्क्स के साथ, जिसमें 400 लोग काम कर रहे थे। स्पेशल एम्बुलेंस ट्रेन भी चलाई गई वुंडेड सोल्जर्स के लिए, जो दार्जिलिंग के सोनाटोरियम में जा रहे थे रिकवर होने के लिए। 1943 में 311,000 पैसेंजर्स और 76,000 टन सामान ले जाया गया। 1947 में दार्जिलिंग की लकड़ी वाली स्टेशन को नई कंक्रीट बिल्डिंग से रिप्लेस किया गया, और अगले साल तक इस लाइन को इंडियन गवर्नमेंट ने खरीद लिया और इंडियन रेलवेज में मर्ज कर दिया गया। पार्टीशन में जो मेन लाइन का लिंक आसाम से टूट गया था, उसे रीबिल्ड करने के लिए किशनगंज से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से सिवोक वाले 2 सेक्शंस, जो DHR के अंडर आते थे, उन्हें मीटर गेज ट्रैक से रिप्लेस कर दिया गया। नए जोन्स जब बनाए गए, तब DHR और आसाम की लाइन्स को नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स में डाल दिया गया। कुछ साल बाद फिर से इसे एक्सटेंड किया गया न्यू जलपाईगुड़ी तक 6 किलोमीटर से। तब से ये लाइन इतनी है 88 किलोमीटर लंबी। 610 mm या 2 फीट गेज ट्रैक्स यूज होते हैं पूरे रूट में, जिस पर ये टॉय ट्रेन्स चलती हैं। न्यू जलपाईगुड़ी में सी लेवल से 100 मीटर ऊंचाई से लेकर दार्जिलिंग में लगभग 2200 मीटर की हाइट तक क्लाइंब करती है ये ट्रेन। धीरे धीरे टाइम के साथ इस लाइन की इंपॉर्टेंस कम होती चली गई, मोस्टली रोड कॉम्पिटिशन की वजह से। पहले से बेहतर बसेस और ज्यादा एक्सेसिबल प्राइवेट व्हीकल्स और टैक्सीज की वजह से पैसेंजर्स ने ट्रेन को अवॉइड करना शुरू कर दिया। सेम चीज देखने को मिली
फ्रेट मूवमेंट में भी, जब सामान और मेल को ट्रक्स और टेम्पो से ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। इसके अलावा रेगुलर इंटरप्शंस और सर्विस क्लोजर्स ने आग में घी छिड़कने का काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों को इसकी वैल्यू टूरिज्म पर्पसेस के लिए दिखने लगी, जिसका फायदा भी उठाने की कोशिश की रेलवेज ने नई टूरिस्ट ट्रेन शुरू करके। 1999 में इनको एक और जीत मिली यूनेस्को के द्वारा दिए गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के किताब के रूप में। देश की पहली रेलवे लाइन को ये ऑनर दिए जाने से लोगों में इसे देखने और इसमें ट्रैवल करने का नया उत्साह जाग गया, जिससे इसकी टिकट बुकिंग्स बढ़ने लगी। यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस की एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऑनर्स देती रहती है उन लैंडमार्क्स और एरियाज को जो कल्चरली, साइंटिफिकली या हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है और वैल्यू देते हैं ह्यूमैनिटी को। आज दुनिया भर में 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 168 कंट्रीज में फैली हुई। इनका एम होता है कि ये साइट्स कंजर्व की जा सके हमेशा के लिए। ये कई ऐसे एरियाज और मॉन्यूमेंट्स को बचाने में कामयाब रहे हैं जो डिस्ट्रॉय होने की कगार पर थे। जैसे इजिप्ट में नूबिया के मॉन्यूमेंट सेफगार्ड किए जब उधर नाइल रिवर पर एक बड़ा डैम बनाने लगी थी इजिप्ट की गवर्नमेंट। यूनेस्को हजारों ऑब्जेक्ट्स को रिकवर करने में कामयाब हुई, जिसे दूसरी जगहों पर ले जाया गया डैम बनाने से पहले। बढ़िया इनिशिएटिव है ये, जिससे दुनिया और ज्यादा कल्चरली वैल्यूएबल बन जाती है। दार्जिलिंग और देश की बाकी माउंटेन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस देने का एम भी यही था कि इसे बंद ना कर दिया जाए यूजेज गिरने की वजह से। इसका एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि देशवासियों को अपनी हिस्ट्री से वाकिफ करवाना भी है। वैसे तो दार्जिलिंग रेलवे को बंद करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलने से इसमें एक नई ऊर्जा आई है, स्पेशली टूरिस्ट के बीच। तो इसमें नए कोचेस और सर्विसेज भी ऐड किए गए स्पेशली उनके लिए। आज इसमें टोटल 19 लोकोमोटिव्स हैं, 6 डीजल और 13 स्टीम। ये ग्लासगो की शार्प, स्टुअर्ट एंड कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो आज डिफंक्ट हो गई है। तो स्टीम लोकोमोटिव्स को रिपेयर करते वक्त उनके पार्ट्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट साबित हो जाता है आजकल, तभी रेलवेज ने खुद वो पार्ट्स बनाने का प्लान किया है, ताकि उन्हें दूसरे इंजन से पार्ट्स ना निकालने पड़े, पार्ट्स कैनिबलिज्म से आइकॉनिक स्टीम ट्रेन खत्म ना हो जाए। पिछले 143 सालों में तो दार्जिलिंग रेलवे ने बहुत फायदा पहुंचाया इस रीजन को। पैसेंजर्स, सामान और मेडिकल सप्लाईज को ट्रांसफर करने के अलावा एक बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन भी रहा है। सीनिक व्यूज से होती हुई छोटी सी ट्रेन जाती है कई कर्व्स, स्लोप्स और लूप्स के साथ, और रोड के साथ में भी चलती है काफी डिस्टेंस के लिए। पूरे रूट की 74% लेंथ में कर्व्स हैं और बाहर टी गार्डन्स और वैलीज का बढ़िया नजारा दिखता है। इसकी इंजीनियरिंग तो अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। आज भी ऐसी लाइन बिछाना काफी मुश्किल होता है, और इन्होंने तो ये 143 साल पहले कर दिखाया, आज की मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ना होते हुए भी। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। कई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी जाता है इसके बारे में। पिछले कुछ सालों में नए कोचेस चलाने शुरू किए हैं, ज्यादा कंफर्टेबल और बेहतर सीटिंग के साथ, बड़ी विंडोज और नए विस्टाडोम कोचेस भी लाए हैं व्यूज का पूरा फायदा उठाने के लिए। इन्हीं सब रीजंस की वजह से पिछले साल लगभग 21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है दार्जिलिंग रेलवे ने, जो कि इसकी 143 साल की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। 146,000 लोगों ने ट्रैवल किया है इसे, पिछले साल से 17% ज्यादा। नई जॉयराइड सर्विस जो उन्होंने स्टार्ट की, दार्जिलिंग घूम दार्जिलिंग, 16 किलोमीटर लंबी, वो सबसे पॉपुलर सर्विस उभर के आई है। अभी इसमें ये 12 जॉयराइड सर्विसेज और 2 रेगुलर सर्विसेज न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चल रही है। अथॉरिटीज ने ऐसी और सर्विसेज शुरू की हैं रिसेंटली, जैसे स्टीम जंगल टी सफारी, चार्टर सर्विसेज और हेरिटेज डाइनिंग कार सर्विसेज। उन्होंने 2 नए कोच रेस्टोरेंट्स और एक हेरिटेज रेस्टोरेंट भी खोले हैं, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में सफल हो रहे हैं दार्जिलिंग और कुर्सियोंग स्टेशन में। इसमें कोच के इंटीरियर को चेंज करके रेस्टोरेंट बना दिया है, जो परमानेंटली खड़ा रहता है स्टेशन में। ऐसी और अट्रैक्शन खोलने के भी प्लान बन रहे हैं फ्यूचर में। दार्जिलिंग रेलवे की सफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने शिमला तक भी टॉय ट्रेन बनाने के बारे में सोचा, और क्योंकि वो समर कैपिटल भी थी तो ज्यादा ट्रैवल भी देखने को मिलता था उधर। कलकत्ता से शिमला जाने के लिए रेलवे लाइन दिल्ली से कालका तक बन चुकी थी 1891 में, जो हिमालय के फुटहिल्स पर खत्म हो जाती थी। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए नैरो गेज टॉय ट्रेन ही बेस्ट ऑप्शन लग रहा था, इसलिए इसका ऑफिशियल प्रपोजल रखा गया 1898 में। अप्रूवल मिलने के बाद उसी साल काम भी शुरू हुआ, जिससे पूरी तरह प्राइवेट कंपनी फंड कर रही थी, दिल्ली अम्बाला कालका रेलवे कंपनी। गवर्नमेंट से कोई एड और गारंटी नहीं ली उन्होंने, हालांकि लैंड फ्री में प्रोवाइड करवाया गया। पहला स्टेप था रफ ट्रेन को ट्रैक के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना, स्मूथ ग्रेड रखना, ताकि क्लाइंब आसान रहे। इधर ट्रैक बिछाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ स्टीप स्लोप्स और शार्प कर्व्स की वजह से। इंजीनियर्स ने इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जो वो दार्जिलिंग से सीख कर आए थे, जैसे ज़िगज़ैग ट्रैक्स और स्पाइरल लूप्स। पूरे रूट में 864 ब्रिजेस और 102 टनल्स हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है अर्ली 20th सेंचुरी का। सबसे लंबी टनल बरोक टनल है, 1.1 किलोमीटर लंबी। कंस्ट्रक्शन का काम 3 साल में पूरा हुआ पूरी लाइन का, और ये 1909 में बनकर तैयार थी।
तब के 1.6 करोड़ रुपए लगे इस पर, जिसके 2 साल के ऑपरेशन के बाद कंपनी को कोई प्रॉफिट की उम्मीद नहीं दिख रही थी, इसलिए इसे गवर्नमेंट ने खरीद लिया 1.7 करोड़ रुपीस में। 2008 में यूनेस्को ने इसे भी दार्जिलिंग की तरह वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, इसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस देखते हुए। ये स्टेटस मिलने के बाद प्रिजर्वेशन एफर्ट्स भी बढ़ गए और इसे मेंटेन और कंजर्व करने के लिए कई स्टेप्स उठाए नॉर्दर्न रेलवे ने। ऐसी ही एक और माउंटेन रेलवे है कांगड़ा वैली रेलवे। ये पठानकोट पंजाब से जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश तक चलती है 164 किलोमीटर, जो कि इसे देश की सबसे लंबी नैरो गेज रेलवे बना देता है। कांगड़ा और कुल्लू वैली अपनी रिच टिम्बर वुड के लिए काफी पॉपुलर है, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे बनाने का प्लान रखा। कुछ चैलेंजेस के बाद इसे फाइनली खोल दिया गया 1929 में, जिसमें 993 ब्रिजेस, 484 कर्व्स और 2 टनल्स हैं पूरे रूट में। ये टूरिस्ट के बीच भी काफी पॉपुलर है, स्पेशली ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग एंथुजियास्ट के लिए, क्योंकि ये उन्हें बेस पॉइंट्स तक पहुंचाती है सीधा। इसलिए देश के सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेलवे में इसका नाम आता है आज। अगर हम माउंटेन रेलवे की बात कर ही रहे हैं तो उसमें स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। वो सबसे ज्यादा ऐसी रेल लाइंस इधर ही मौजूद है जिन्होंने टूरिज्म प्रमोट करने के साथ माउंटेन को और एक्सेसिबल बनाया है। यहाँ की पहली माउंटेन रेलवे विट्सनाउ से रिगी के बीच में बनी थी 1871 में, जो यूरोप की भी पहली माउंटेन रेलवे बनी। इसकी सक्सेस ने फिर स्विट्जरलैंड और दूसरे देशों में नई रेल लाइंस को इंस्पायर किया। जंगफ्राउ रेलवे जो 1912 में खुली, नई एडवांसमेंट्स को दर्शाती है रेलवे कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जंगफ्राउ स्टेशन यूरोप का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन बन गया 3400 मीटर ऊंचाई पर। ऐसी एक और ट्रेन ग्लेशियर एक्सप्रेस जो 1930 में खुली आइकॉनिक बन गई। 291 किलोमीटर रूट कवर करती है स्टनिंग लैंडस्केप्स के थ्रू। कनेक्टिविटी देने के साथ ये माउंटेन रेलवे अपने आप में एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है, जैसे दार्जिलिंग और शिमला लाइंस के साथ भी देखने को मिला है। इधर भी एक रेशियन रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का किताब मिला हुआ है। इसके अलावा दुनिया की स्टीपेस्ट रैक रेलवे भी इधर मौजूद है, प्लेटस रेलवे नाम से। 48% मैक्सिमम ग्रेडियंट के साथ इसे कॉग व्हील्स और पिनियन की मदद से चलाया जाता है। 1889 से चल रही है, जिसे हिस्टोरिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैंडमार्क का भी ऑनर मिला हुआ है। तो ऐसे रेल लाइंस बनाना इंडिया में भी पॉसिबल है काफी तगड़ी इंजीनियरिंग के साथ। स्विट्जरलैंड से काफी कुछ सीख सकती है इंडियन रेलवे नई माउंटेन टॉय ट्रेन बनाने के लिए, जो टूरिज्म के साथ कनेक्टिविटी देने में मदद करेंगी उन अंडरसर्व्ड रीजंस में। ऐसी ही एक माउंटेन रेलवे है USBRL, जो कश्मीर में बनाई जा रही है चेनाब ब्रिज के साथ। उसके बारे में जानने के लिए इस कार्ड पर क्लिक करें। धन्यवाद।